भाई साहब क्या कर रहा है ये मोटरोला? आई मीन एक के पीछे ऐसे जबरदस्त फोन्स लॉन्च कर रहा है। जस्ट 10 दिनों पहले दोस्तों G84 आया था। इट वाज प्रोबब्ली द बेस्ट प्रीमियम लुकिंग फोन अंडर 20,000 एंड बाकी स्पेसिफिकेशंस भी जबरदस्त थे। अब उससे एक लेवल आगे चला गया G54 एंड प्रोबब्ली द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000। इनफैक्ट इफेक्टिव प्राइस की 14,500 होती है 8GB 128GB वेरियंट के लिए। एंड उससे भी ज्यादा कुछ नई चीजें भी एड की हुई है जो अभी तक कभी भी मोटरोला फोन में नहीं दिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल 6,000 mAh बैटरी, मतलब क्रेजी फोन है। और ये 8128 वेरिएंट आता है। एंड आई टेल यू व्हाट, आई फील वेरी एक्साइटेड जब ऐसे अच्छे वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन फोन्स लॉन्च होते हैं। अच्छा लगता है आपको ये रिकमेंड करने के लिए। जी हाँ, लेकिन उसके पहले दोस्तों एक चीज आप जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब। बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस लेके आने वाले, बहुत सारे इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग्स आ रहे हैं, सो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स ओपन डिटेल्स एट फुल स्पीड। हाई परफॉर्मेंस 5G फोन, जी हाँ, 14,500 का है एंड प्रोबेबली द बेस्ट 5G फोन अंडर 15,000 प्रोबेबली। जी हाँ, लेट्स ओपन। और क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, देन यू हैव सिम कार्ड टूल, USB टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल, एंड देन यू हैव दिस 33 वॉट फास्ट चार्जर। जी हाँ, बॉक्स के अंदर यही सब है, ये सब रखते हैं साइड में। केस जो है वो भी आती है एंड लगी हुई है ऑलरेडी फोन को, अलग से नहीं है, सो दैट इज नाइस। एंड केस की क्वालिटी, गुड क्वालिटी केस। एंड दिस इज द फोन दोस्तों, ये जो है ना, इसमें 6,000 mAh की बैटरी है। यू नो इट इज नॉट बहुत ज्यादा हैवी वगैरह, 6,000 मतलब कम से कम आप सोचोगे 205-210 grams होगा, लेकिन ये जो है ना, ये मुझे अंडर 200, इनफैक्ट 195 grams वगैरह लग रहा है। दैट इज हाउ लाइट इज, दैट इज सरप्राइजिंग विद 6,000 mAh बैटरी। तो देखते हैं 195, आई विल से, लेट्स सी, 195.9 grams है दोस्तों। सो या क्वाइट लाइट, मतलब 6000 होने की वजह से इट्स नॉट अबाउट 200, वेरी वेरी गुड। फ्लैट साइड्स आते हैं, इन हैंड फील बहुत अच्छा है, गिरेगा नहीं दोस्तों, स्टर्डी लगता है, गिरा के देखते हैं, लेट्स डू दिस। 1, 2 and 3 हैवी है, नहीं है तो भी एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ नहीं आगे से। वैसे पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन आता है पीछे से, साइड से गिर गया, फिर से पीछे से गिराते हैं। 1, 2 and 3 नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ है। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे स्पीकर के लिए यूएसबी टाइप सी है, माइक्रोफोन है, 3.5 mm जैक है, लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे है, ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है एंड डॉल्बी एटमॉस इधर लिखा हुआ है, मतलब डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड स्पीकर्स है। राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर ऊपर की तरफ आता है, थोड़ा ऊपर है, एंड देन यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन। अगर मैं सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं दोस्तों, देन इट इज हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट आता है, इसका मतलब एक सिम कार्ड एंड एक एसडी कार्ड इस्तेमाल कर पाओगे या फिर दो सिम कार्ड, सो एक्सपेंशन स्टोरेज है, दैट इज नाइस। वैसे इसमें 3 colors आते हैं, एक ग्रीन है, मिंट ग्रीन कलर है, एंड ब्लू में 2 colors आते हैं, मिडनाइट ब्लू एंड पर्ल ब्लू। ये जो है ये पर्ल ब्लू। वैसे अगर डिजाइन के बारे में बात करूं, इसमें PMMA मटेरियल आता है, सो काइंड ऑफ एक्रिलिक प्लास्टिक, बट जो G84 है उसमें वीगन लेदर आता था। चलिए बाहर से देख लिया एंड इट इज इंप्रेसिव फ्रॉम आउटसाइड, लेट्स सी फ्रॉम inside. अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, 6.5 inch, I like that size. मतलब 6.7 वगैरह जो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 6.1 थोड़ा छोटा हो जाता है, 6.5 is ideal size. 6.5 inch का IPS LCD, 120 hertz का डिस्प्ले है, 560 nits brightness आता है, and I tell you what, अगर ये आप डिस्प्ले देखोगे, it is a high quality IPS LCD display. मतलब brightness के बारे में बात करूं दोस्तों, this is indoors के लिए brightness is good enough. और हाँ, इसके bezels के बारे में बात करूं, साइड के ऊपर के bezels मैं कहूंगा, you know, smaller than average. चिन एवरेज साइज की कहूंगा, 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है एंड सेंटर पंच होल है, लुक्स डीसेंट। याद रखिए 15,000 के नीचे फोन है, उस हिसाब से बहुत अच्छा दिखता है। इवन डिस्प्ले इज गुड, इवन दो इट्स नॉट एमोलेड, इट इज अ रियली गुड डिस्प्ले। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों अगर प्रोसेसर के बारे में बात करूं, ये इंडियाज फर्स्ट डायमेंसिटी 7020 प्रोसेसर है। जी हाँ, बहुत सारे मोटोरोला फोन्स में इंडियाज फर्स्ट होता है, इसमें भी एक चीज है, प्रोसेसर पहला ही फोन है और इसका अंतर स्कोर भी बहुत अच्छा आता है, 4,76,000 स्कोर आता है। अब दोस्तों अगर मैं कंपेयर करूं तो डायमेंसिटी 930 ये जो प्रोसेसर है उसका ये इंप्रूव्ड वर्जन है, जो G73 मोटोरोला G73 में आता था, तो दिस इज अ इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ दैट। और अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 के बारे में बात करूं तो उससे ये ज्यादा अच्छा आपको स्कोर देता है, 695 का स्कोर कुछ 4,20,000 आता है, सो दिस इज बेटर देन दैट। इंटरेस्टिंगली इसका जो बेस वेरिएंट है, जो 14,500 इफेक्टिव प्राइस में मिलने वाला है, वो 8128 का, 8GB RAM 128GB स्टोरेज। और दोस्तों इसमें 12256 वेरिएंट आता है, सोचिए अंडर 20,000 में 12256 जनरल नहीं होता है। इसमें 18999 प्राइस है, बट इफेक्टिव 1,500 एक्सचेंज एंड जो ऑफर्स है बैंक ऑफर वो पकड़ के करोगे तो आपको 17,500 में 12GB RAM 256GB स्टोरेज मिलता है। LPDDR4X RAM टाइप है एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आता है, सो स्पेसिफिकेशंस के मामले में भी डेफिनेटली वर्थ एवरी पेनी एंड मोर देन दैट। बैटरी
आई डोंट थिंक देयर इज अ फोन फ्रॉम मोटोरोला जिसमें 5000 के ऊपर बैटरी है. इसमें 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है एंड 33 वॉट चार्जिंग, मतलब 0 to 50% अराउंड 33 मिनट में होता है. एक डेढ़ घंटा लगेगा आपको चार्ज होने के लिए, बट 50% भी इज मोर देन इनफ क्योंकि 6000 बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है. और याद रखिए दोस्तों, मोटोरोला का जो OS होता है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज होता है. आराम से आपको 2 दिन तक बैटरी जाएगी. मॉडरेट यूसेज में 2 डेज बैटरी लाइफ इज देयर क्योंकि 6 nm प्रोसेसर है. सो बैटरी लाइफ इज ऑल्सो ग्रेट, अगेन एक्सिलेंट इन बैटरी एंड बैटरी चार्जिंग. और OS के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि माई UX आता है, जी हाँ, वही क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आता है. एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स है. 1 साल का मेजर अपडेट मिलने वाला है. 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले. इंटरेस्टिंगली इतनी सारी चीजें अच्छी कही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें 2-3 गेम्स मुझे दिखे प्री इंस्टॉल. कैंडी क्रश वगैरह पॉपुलर गेम्स है, वो अनइंस्टॉल भी कर पाओगे, बट अभी तक मैंने वो देखा नहीं था तो वो है. ज्यादा नहीं है, ब्लोटवेयर वगैरह नहीं है, बट हाँ 2-3 एक्स्ट्रा एप्स एंड गेम्स जरूर है. वही जो सेटअप करते समय जो ब्लोटवेयर वगैरह होते हैं, ग्लांस वगैरह होता है, फिर डार्क पैटर्न होते हैं, वो सब कुछ आपको नहीं मिलेंगे. और OS के बारे में, जी हाँ, वो मोटो के जो जेस्चर्स वगैरह हैं, पर्सनलाइजेशन है, मोटो सिक्योर फोल्डर, ये सब है, थिंक शील्ड, ये सब चीजें जो है दोस्तों सभी आती है. जेस्चर्स वर्क वेल. गेमिंग अगेन, क्या ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लेकिन 14,500 में दोस्तों गेमिंग आपको अच्छा मिलता है. मीडियम टू हाई सेटिंग पे 40 FPS गेमिंग आप कर पाओगे. COD मोबाइल हो, BGMI वगैरह आप खेल रहे हो तो. और हाँ, डायमेंसिटी प्रोसेसर होने की वजह से वो हाइपर इंजन आता है जो गेमिंग में ज्यादा अच्छा आपको हेल्प करता है. स्मूथ गेमिंग वगैरह आपको मिलती है. एंड वी प्लेड गेम्स फॉर लॉन्ग टाइम वेरी वेल. CPU थ्रॉटल टेस्ट भी हमने किया जस्ट टू चेक, उसमें भी 82-83% आया, विच इज वेरी गुड. अगेन इन दिस प्राइस इट इज गुड. ऑलराइट, कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों. 5G प्रोसेसर है, 14 5G बैंड से कहीं पे भी कम नहीं है, सभी बैंड का सपोर्ट है. ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट आता है, डुअल बैंड वाईफाई है, NFC नहीं है, 4x4 मीमो है, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी वगैरह जो है वो स्टेबल आपको मिलेगी. सो कनेक्टिविटी ऑप्शन आते हैं. सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर आते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क वेरी वेल. लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया डिस्प्ले इज गुड, इट इज ब्राइट, कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं, अच्छे क्वालिटी का IPS डिस्प्ले है. और जो ऑडियो है दोस्तों उससे भी अच्छा है, डॉल्बी एटमॉस ट्यून्स, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, सो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी गुड. वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आता है. HDR नेटफ्लिक्स पे नहीं देख पाओगे बट फुल HD स्ट्रीमिंग कर पाओगे. और हाँ, जो वायर्ड हेडफोन्स के फैन है, 3.5 mm जैक आता है इसके अंदर, सो दैट इज देयर. ऑलराइट, कैमरा, हाउ इज द कैमरा? इधर भी दोस्तों यू नो इंप्रूविंग, मोटोरोला इज रियली इंप्रूविंग हर फोन के साथ, मैं ये कहता हूं. अब सोचिए 14,500 में आपको OIS कैमरा मिल रहा है. आई थिंक इट इज द चीपेस्ट OIS कैमरा स्मार्टफोन. 50 MP का प्राइमरी जो सेंसर है वो OIS को सपोर्ट करता है. सेकेंडरी भी 2 MP वगैरह नहीं है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड दिया हुआ है. आजकल 20,000 के नीचे भी अल्ट्रा वाइड निकालने लग गए, बट मोटोरोला इज केप्ट दैट नो नॉनसेंस 2 MP वगैरह. सो 50 MP OIS+8, आगे भी आपको 8 MP है, 16 MP का सेल्फी सेंसर मिलता है. बहुत सारे फोटोज वगैरह निकाले हुए हैं दोस्तों. यस, देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन फोटोज डेफिनेटली, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा पहले, अगर आप मोटोरोला फोन के साथ कंपेयर करोगे और दूसरे 15,000 के फोन के साथ कंपेयर करोगे, इट इज डेफिनेटली वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव. जी हाँ, ओरिजिनल क्वालिटी में जो फोटोज निकाले हुए हैं सबकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जी ड्राइव पे सेव किए हुए, जरूर जाके देखिएगा इफ यू आर थिंकिंग अबाउट बाइंग अ फोन. और हाँ, जो सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड सेंसर है दोस्तों, फिक्स फोकस नहीं है, ऑटो फोकस है, तो आप मैक्रो भी निकाल पाओगे. सो दैट इज गुड. अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो फुल HD 1080p एट 30 FPS निकाल पाओगे फ्रंट एंड बैक. और अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो प्रो मोड है, नाइट विजन मोड आता है, पोर्ट्रेट मोड वगैरह आता है दोस्तों, स्लो मोशन है, डुअल कैप्चर मोड है, ये सब पैनोरमा वगैरह, ये सब चीजें जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फोन्स में मिलते हैं आपको, सभी फीचर्स इसमें भी मिलते हैं. बाकी के छोटे छोटे फीचर्स के बारे में क्विकली बात कर लेते हैं. सार वैल्यू विद इन लिमिट्स है, FM रेडियो आता है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है. अच्छी बात यह है कि IP52 सर्टिफिकेशन आता है. G84 में IP54 था, इसमें IP52 सर्टिफिकेशन आता है, तो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है. ओवरऑल दोस्तों आई एम इंप्रेस्ड, बिकॉज देखिए यही अगर 16-17-18,000 में आता तो मैं कहता था हाँ डिसेंट फोन है, बट इफ इफेक्टिवली इसकी एक्सचेंज आप 1500 रुपए, या तो आप एक्सचेंज करो जो भी आपकी फोन की एक्सचेंज वैल्यू होगी उसके ऊपर 1500 रुपए मिलने वाले, या फिर अगर कार्ड होगा तो उसके ऊपर 1500 रुपए डिस्काउंट मिलने वाले, तो 14,500. इसकी एक्चुअल प्राइस 16,000 है, 15,999, 14,500 में मिलता है 8128 एंड 17,500 में 12256. अगर दोनों वेरिएंट्स के बारे में बात करूं, यू नो फॉर द प्राइस दे आर ऑफरिंग यू अ लॉट. और ये मोटोरोला का फोन है दोस्तों, क्लीन UI वगैरह एक्सपीरियंस मिलता है, सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर. Definitely, probably one of the best phones under 15,000. वैसे आपको कोई सवाल है दोस्तों जरूर पूछेगा. ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका बजट थोड़ा टाइट है, 15,000 के नीचे उनको फोन बाय करने. You can recommend this. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe.